उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, संस्कृत के श्लोक के साथ आज के शो का शुभारंभ कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस शो का, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। देखिए श्लोक में क्या कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्त प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने आज के अतिथि, हमारे कथानायक श्री सुधांशु विजयवर्गीय। सुधांशु जी स्वागत, वेलकम टू द शो। आइए आइए, कैसी रही यात्रा यहाँ तक? तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज आपके सामने बैठे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसा मौका हमें मिला है। आज खुशी तो हमें भी हो रही है कि आप जैसे उद्यमी, आप जैसे नौजवान जिन्होंने शुरुआत की बहुत ही मॉडेस्ट वे के अंदर और आज अनंत आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने आपकी जीवन यात्रा जो अभी तक की उसके ऊपर एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो दिखाऊं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑडियो विजुअल। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर से दो भाई हिमांशु और सुधांशु विजयवर्गीय अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने संजोए इंदौर पढ़ने आए। हिमांशु ने MBA और सुधांशु ने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी शुरू की। जल्द ही आपको इस बात का एहसास हो गया कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके मुकाबले मेहनताना नहीं मिल रहा। आप दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि अपना काम करेंगे और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना बनाई। पास में जमा पूंजी बहुत थोड़ी थी, बहुत कोशिश के बाद जगह तो मिल गई लेकिन फाइनेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। पिता ने अपने घर को गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। आज आप दोनों की मेहनत से एस्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान बन गया है। क्या बात, मुबारक, मुबारक हो इस उपलब्धि के लिए। और एक बार फिर स्वागत करता हूँ। एजुकेशन करने के बाद लगा के ठीक ठाक नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट, मेरा फाइनल ईयर था, तो मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। एट दैट टाइम हिमांशु का MBA कंप्लीट ही हुआ था, तो हिमांशु और हमारे बीच कुछ ना कुछ ऐसी बात चलती रहती थी कि यार जॉब करें कि नहीं करें, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता था। फिर हिमांशु दिल्ली में ही जॉब कर रहे थे, तो हमने पता नहीं एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। मैंने कहा आप तो इंदौर आ जाओ, फिर वी विल डिसाइड अपन करेंगे क्या। अच्छा, बहुत हौच पौच होकर हमने सोचा चलो नर्सरी स्कूल चालू कर लेते हैं। तो दैट वॉज दी फर्स्ट थॉट। अच्छा, एजुकेशन में ही जाना चाहते थे आप? हाँ, एजुकेशन में ही जाना चाहते थे। थोड़े सिंपल थे, थोड़ी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमको लगा कि दिस इज व्हाट वी कैन वेरी इजीली हैंडल। ओके। फिर थोड़ा फादर से सजेशन लिया, फादर ने कहा ये तो तुम लोग थोड़ा छोटा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो तो फिर अच्छा लगेगा। अच्छा। प्लान करते करते फिर कहते हैं ना वो रास्ता भगवान ही दिखाता है, तो रास्ते ऐसे अपने आप ही किसी ने बोला ऐसा ऐसा ना करके अगर आपको स्टार्ट ही करना चाहते हो तो स्टार्ट विथ इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब फाइनेंशियली अगर बात करें तो उसको जब जोड़ा घटाया तो बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पॉसिबल सा लगा। अब इम्पॉसिबल सा लगा लेकिन फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो पहले एक ज़मीन का काम देखते हैं कि वेदर वी कैन बाय दी लैंड और नॉट। अगर लैंड ही खरीद सकते हैं तो बाकी चीज़ें फिर प्लान आउट होंगी। तो भाग्य से हमने 12 एकड़ ज़मीन खरीदी और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि लाख रुपए एकड़ की ज़मीन नहीं मिली। यहाँ तक आपने अपने दम पर या पिताजी के सपोर्ट के पर और किसी से बाहर से कोई? अभी तो कोई हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन बिल्डिंग कैसे बनेगी ये एक सबसे मुख्य वो था। किस्मत से हमको फिर है ना, हमने बैंक के लिए फिर वही बात थी कि उसमें थोड़े क्या कहते हैं वो लगते हैं, पूरी एक फाइल रिपोर्ट बनती है, पूरी एक मार्केटिंग। तो मैंने हिमांशु से यही डिस्कस करा, मैंने कहा आप तो रिपोर्ट बनाओ, ठीक है रिपोर्ट आप बनाओ, बाकी फिर मैं उठापटक करता हूँ कि पैसे तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा। बैंक के सामने रखने की बात आई तो फंड का अमाउंट हमने काफ़ी बड़ा डिमांड कर लिया था क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करना था। उस समय 2 करोड़ रुपए हमको बड़ा लग रहा था, तो हमने कहा यार 2 करोड़ रुपए चाहिए सर। तो फिर उनने हमसे यही कहा आपकी बुक्स दिखाएं, ये करें वो करें।
बुक्स तो स्टूडेंट बनाते हैं थी नहीं कुछ स्टूडेंट ये हाँ ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है हाँ। तो फॉर्चुनेटली फादर की बुक्स थोड़ी ठीक थी तो उस पे वो थोड़ा सा कह रहे थे कि चलो फादर के हिसाब से तो ठीक है, आप लोग का भी थोड़ा कुछ होना चाहिए ये वो। फिर बातों में उन्होंने एक बात बोली कि अच्छा एक काम करो तुम कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करो फिर मैं आगे सोचता हूँ। अब फिर ये बात हमने फादर से शेयर करी, पता नहीं फादर का क्या दिमाग गया, नेक्स्ट मॉर्निंग उनने हमको कॉल करा, बोले कोलैटरल अपने घर को कर देते हो। तो हम दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है चलते बैंक को ये प्रपोजल देते हैं कि सर हमारे अभी पास आप वो मैनेजर साहब के पास उनको तो हमने पकड़ रखा था, उनको मालूम था कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जिन्होंने कहा था कोलैटरल गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। तो हम कुछ दिन बाद गए कि हमने कहा कि सर एक कोलैटरल गारंटी दे सकते हैं लेकिन आधी देंगे पूरी नहीं देंगे। तो फिर उनने किसी को भेजा फिर भी और उनने आगे का एरिया देख लिया, बैंक वालों ने कहा कि वो क्यों छोड़, आपका अगर आप आगे का देने को तैयार हो तो मैं दो तो नहीं दूंगा लेकिन कहीं ना कहीं डेढ़ तक का सपोर्ट कर दूंगा। तो हमने कहा सर डेढ़ दे दो लेकिन दे दो। अच्छा, तो मान गए, वो ही मान गए। हमने कहा एक साल तो निकल जाएगा ये बात पक्की है। इन कोशिशों के बाद काउंसलिंग आई कि काउंसलिंग में चाहिए रहती परमिशन और वो जो AICT का अप्रूवल था वो हमारा पहले राउंड में आया नहीं, सेकेंड राउंड में आया नहीं, थर्ड राउंड में जाके हमको AICT अप्रूवल मिला। एनीवेज वो हमको मिली परमिशन और वहाँ पे हमको पड़ा एक सेटबैक क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिट हुए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए 250 स्टूडेंट कम से कम रहने चाहिए, होने चाहिए। हाँ, हमें मिले 90। फिर हमको एक जगह फिर से फादर की ज़रूरत लगी, वो आ गया था 31 मार्च के बाद फंड हो गए ज़ीरो। मुझे याद है शायद हमने 5-1 लाख रुपए फादर से मांगे कि यार सर एक आखिरी बार आप पापा जी करो एक बार और करो आगे देखेंगे जो होगा। लेकिन पिताजी ने इसके बावजूद के आपने कहा कि जीरो जीरो बैलेंस आ गया है, नाराज नहीं हुए, कोई डिस्करेज नहीं किया आपको? नहीं करा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। वो बार बार ये कहते थे तुम कोशिश करते रहो जो होगा देखेंगे, कोशिश करते रहो जो होगा देखेंगे। तो Hats off to your father. बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग आया, हमने पूरी मतलब कहते हैं ना जी जान लगाई कि इसमें बच्चे कैसे भी करने हैं, कितनी भी दम लग जाए, और भाग्य से वी हैव रीच्ड 240। बस वही हमारा टर्निंग पॉइंट था कि अब पीछे जाना ही नहीं है। तो पीछे जाना नहीं है और आप भाग्य से आप देखिए आज हम 1000 बच्चे करते हैं, 3500 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी है। नहीं नहीं सुधांशु जी, जितना हंसते हंसते आपने मुसीबतों का सामना किया, हर बाधा को पार करते चले गए हंसते हंसते, सारी आने वाली बाधाएं भी वैसे ही पार हो जाएंगी हंसते हंसते, हंसते हंसते कामयाबी सफलता को छुएंगे, यही हमारी शुभकामना है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री हिमांशु विजयवर्गीय को, जो सुधांशु जी के भाई हैं और जिन्होंने सुधांशु जी के कंधे से कंधा मिलाकर आज एस्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को इन बुलंदियों पर पहुँचाया है। स्वागत है श्री हिमांशु विजय। आपके नाम की 15 बार चर्चा हो चुकी है, भाई ने ऐसा किया, भाई MBA कर रहे थे, मैं वो कर रहा था, फिर हिमांशु ने ऐसा किया, ये क्या चल रहा था? और उन्होंने ये भी कहा मैं हिसाब किताब में अकाउंटिंग में ठीक नहीं हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थोड़ा सा है और मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, तो हिसाब किताब कैसे संभाला? कोलैटरल उस मैनेजर के पास जाके बैठा करते थे जी। उसमें बैठने के अलावा जो जब वो हमको देखते थे तो उनका ये कंसर्न आता था यार आप यहाँ एजुकेशन लोन के लिए हो क्या, क्योंकि एज बहुत ही यंग एज पे शुरू किया था, एकदम पढ़ाई का लोन मांगने आ रहे हैं। हाँ, एजुकेशन लोन उन्होंने नहीं सोचा था। हर कदम के ऊपर आपने देखा कि 90 होने चाहिए 250 स्टूडेंट्स और भाई साहब ने 90 से कहा कि शुरू कर दो जी, जी, तो उसमें जी। आप भी शामिल थे? हाँ, हाँ, आपकी सहमति थी? सहमति थी, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था? यू आर मैन ऑफ अकाउंट्स। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि हाउ विल वी मैनेज, क्योंकि फंड्स है लिमिटेड और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रेवेन्यू तो नाम मात्र है आपके पास। यही पूरी हमारी कहानी है। मैं इनको कह देता हूँ कि सर आप तो पिक्चर तैयार कर दो, बाकी उसको कैसे लाना है वो मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, कैसे प्रेजेंट कर रहा है आपको? आज भी जैसे क्या होता है कि मेरा रिस्ट्रिक्शन आता है कि इस उसमें अपने को रिड्यूस होना चाहिए, फंड्स अभी कंट्रोल करके करना चाहिए। ये कहते हैं छोड़ो उसमें, विल वर्कआउट, काम हो जाएगा, अपने को दिक्कत नहीं आएगी, आप छोड़ो उसमें। तो ये स्टेजेस आती है।
कभी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ कि जिसमें यार बहुत गड़बड़ हो रहा है ये तो झगड़ा वगड़ा लड़ाई योग की नहीं, बात अरे है, हीटेड आर्गुमेंट तो प्यार की निशानी है, होने ही चाहिए हमारे नहीं होते नहीं नहीं दोनों में नहीं हुए नहीं होते होते ही नहीं मतलब वो कोर्सेज लाना कोर्सेज लाने पे जरूर हमारे चलते रहते हैं नहीं आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनकी तो एम्बिशन है कि हम देख लेंगे प्रेजेंट कर देंगे मार्केटिंग कर देंगे लेकिन अल्टीमेटली जब तक चेक आपके पास नहीं आएगा अकाउंट में इन कैश नहीं होगा क्रेडिट नहीं होगा तब तक बैंक में कैसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक भी पटा लेते हैं सर वो मैं जानना चाहता हूँ कैसे पटाते हैं आपको हाँ में हाँ हो जाती है बहुत जरूरी बात ये आ जाती है सर जब आप शुरू करते हैं तब मनी माइंड से शुरू करते हैं एजुकेशन का काम कि यार इतना पैसा आएगा और जब आप उसमें घुसते हैं तो आपका पूरा माइंड स्टूडेंट माइंड हो जाता है आप अब हमको पता ही नहीं लगता पैसे वैसा कोई वैल्यू नहीं है वो वैल्यू क्या बन गई है हमारा स्टूडेंट यहाँ पहुँच जाए हमारा स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाए और जब वहाँ से वो फ़ोन करता है तो वो पैसा कमाना हो जाता है कि सर मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पे प्लेस्ड हो गया हूँ लुक एट द स्पिरिट वाह वाह क्या बात है और किसी के साथ और किसी का पर्सपेक्टिव ये हो या ना हो और किसी का ऐसा दृष्टिकोण हो या ना हो लेकिन विजय वर्गीय बंधुओं का ये दृष्टिकोण जरूर है कि पैसा सेकेंडरी हो जाता है उनके कॉलेज का स्टूडेंट्स नाम कमाए नाम रोशन करे अपने कॉलेज का ये बात प्राइमरी हो जाती है विजयवर्गीय बंधु ने कामयाबी पाई कितनी सुंदर कहानी है संघर्ष की और संघर्ष के थपेड़ों से दस्तकें देते हुए भाग्य की और उसके बाद फतह की कामयाबी की अब हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में जुड़ेंगे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के श्री चिन्मय ढोबले बिजनेस हेड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस मैं स्वागत करता हूं उनका आइए ढोबले साहब आज की हमारी कथा के नायक सुधांशु विजय वर्गीय बैठिए बैठिए आपने देखा इन्होंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे प्लान किया आपके ये कोलैटरल के ऊपर वुड यू लाइक टू एलैबोरेट व्हाट इज नीडेड व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ लोन सी नॉर्मली जब कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कोलैटरल मांगता है कोलैटरल बेसिकली एक जो मूवेबल प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज़ होती है जो आप बैंक के पास रखते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रखते हैं मॉर्गेज रखते हैं और उसका वैल्यू देख के और इनकी रिपेमेंट कैपेबिलिटी देख के उसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है सो इसको कोलैटरल कहते हैं सी नॉर्मली कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये देखना चाहेगा कि जो आप कोलैटरल दे रहे हो उसकी तरफ आपका कमिटमेंट कितना है वो कोलैटरल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ओके सो जब फादर की या घर की जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो आपका घर होता है घर आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सो वो कोलैटरल की तरफ आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो बहुत अच्छा कोलैटरल जाना जाता है एक सवाल आया कि क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए सिग्निफिकेंट प्लान्स क्या-क्या होने चाहिए क्या बनाने चाहिए सी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए सुधांशु जी ने एक बात कही कुछ भी हो जाए उन्होंने उनकी किश्त टाइम पे चुकाई ये सिंपल टर्म्स में इसको बोलते हैं क्रेडिट हिस्ट्री बनाना तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं जी सो एक बहुत बड़ा ब्यूरो है जो नॉर्मली इस देश में सब लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिबिल सिबिल जी सो ये जो ब्यूरो है ये आपको किसी भी इंडिविजुअल का या एंटिटी का आज तक उन्होंने कितने लोन्स लिए हैं उनका रिपेमेंट टाइम पे किया है कि नहीं ये सबका हिस्ट्री बता देता है सो इसलिए ये बहुत जरूरी है और ये हिस्ट्री आपको अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस मिलता है सो कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हो कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज किया हो उसका परफॉर्मेंस आपको सिबिल के थ्रू मिलता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सारे लोन्स रिस्पॉन्सिबली और टाइम पे रिपे किए जाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम लैंड करते हैं वो देखते हैं आज की हमारी कथा के जो नायक हैं श्री सुधांशु विजयवर्गीय वो तो डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे उनको तो ये he's one of our best customers oh wow 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 क्या बात है थैंक यू मिस्टर ढोबले थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच विजयवर्गीय साहब
मीडिया की इस प्रस्तुति में हमने देश के 12 SMEs की कहानियां देखी, सभी एक से बढ़कर एक, हौसलों की मिसाल, प्रेरणादायक कथाएं। हमारे वो दर्शक जो एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, उन्हें अवश्य हमारे कथानायकों की सफलता से संबल मिला होगा, हौसला मिला होगा, मार्गदर्शन मिला होगा। मैं इस 12 एपिसोड की सीरीज को इस सीजन के लिए यहीं थामना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर मिलेंगे कुछ नए कथानायकों के किस्सों के साथ, हो सकता है उसमें से एक आप भी हो। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन आप जमीन से छलांग लगाएंगे अनंत आकाश को, आकाश की ऊंचाइयां छू लेंगे, उस दिन मैं आपके पास आऊंगा। कविवर हरिवंश राय बच्चन ने देखिए कितना सुंदर अनुवाद किया है, गहन सघन मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझे याद आ जाते हैं, अभी कहां आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। बाय बाय।